आदाब नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस व एटीएस टीम ने कस्बे के 25 वर्षीय युवक को दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बलवा गेट के निकट से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वही घटना को लेकर कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने घटना के संबंध में गिरफ्तार युवक को निर्दोष बताते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर एटीएस टीम ने कांदला कस्बे के मोहल्ला मिर्दगान निवासी इजहार उर्फ सोनू पुत्र इंतजार को शामली जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा होने के कारण स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। वही घटना के संबंध में गिरफ्तार युवक के भाई नूर मोहम्मद ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए नूर मोहम्मद। सर मामला जी, मामला ये है सर कि मैं कश्मीर में काम करता हूँ, मेरा भाई मेरे पास ही रहता है, वो मेरे हेल्परी का ही काम संभालता है। मैं बगीचों से माल खरीदता हूँ लोगों से, वो मेरे नीचे काम तक करता था, लेबर से काम कराता है मेरा भाई। मेरा एक तमिलनाडु का कभी उसके साथ पार्टनरशिप हुई और जहांगीर के स्तर से मेरी पार्टनरशिप हुई। जहांगीर है बंडू का रहने वाला है, जिला पुलवामा का। मैं पार्टनरशिप मेरी हुई थी तो उसके स्तर से हुई जहांगीर भाई के साथ। फिर बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ आपको 10 लाख रुपए, आप नूर मोहम्मद कीनू खरीदो हमारे लिए और मैं आपके पास बंदा भेज दूंगा, आधे का पार्टनरशिप मेरा रहेगा और आपको। मैं कहा भाई हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हम कोई जे भी भाई हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, एक एक रुपये का हिसाब के लिए हमें कोई मिनिमम। उन्होंने कहा कि भाई मैं जमीर भाई को तुम्हारे पास भेज दूंगा, ये एक एक रुपये का हिसाब लिखेंगे। उसके पास में है वहाँ का लोगों का कर्जा जहांगीर भाई के पास। जब हमें पता लगा, जब वो मोबाइल ही बंद रखता था वहाँ पर बाग में, वो पहुँच गया पंजाब। पंजाब पहुँचने के बाद बाग में उसने फ़ोन जैसे वो खोलता था तो उसके पास फ़ोन आते थे ज़्यादा कर्जे वालों के, और वो जिससे अपनी बात करनी थी वो बात करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता था। स्विच ऑफ करने के बाद हमारे भाई का छोटे का वो कहीं इमरजेंसी जो उसको अपनी बात अपने मोबाइल से करनी थी तो अपने मोबाइल से वो बात कर लेता था। अन्य मेरे छोटे भाई का मोबाइल लेके उसने यूज़ किया है, मेरे भाई का मोबाइल सिर्फ। मेरे आपका भाई क्या इसमें दोषी है? नहीं, मेरा भाई दोषी हो तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारा दोषी भाई नहीं हो तो उसकी जाँच करके हमारे घर। हम 6-8 साल से कम कश्मीर के अंदर मेरे पास वो रहता था, मैं तो उससे भी पहले रहता हूँ। मेरा कोई 120 भी में या कोई प्लानिंग में या किसी भी मेरे परिवार का कोई झगड़ा 151 में भी मेरा किसी मुकदमे में मेरे भाइयों का कोई चला नहीं। मेरे भाई को एटीएस टीम ने उठा रखा है मेरठ के, वो चालान भरने के लिए जा रहा था शामली से कांदला के बीच में ही। उसको तीन बंदे थे, एक उसका ड्राइवर था, एक उसका दोस्त था और एक मेरा भाई था। उनको तीनों को एसटीएफ ने उठा लिया था, ये शामली के बलवे वाले पुल पर से, बलवे वाले मोड़ से। नहीं, कांदला के। तो कभी कोई इसका अपराधी की इतिहास? कोई इतिहास नहीं है। इतिहास हो तो एक भाई और जाने के लिए तैयार है, कोई इतिहास हमारा हो। कितने भाई हो? हम 7 भाई हैं, हमारा कोई इतिहास नहीं है। नूर, मेरा सबसे बड़े भाई का नाम इसरार है, फिर भाई का अंसार भाई है, फिर मेरा नाम नूर मोहम्मद है, एक का अली मोहम्मद है, एक का नाम इजहार है, एक का नाम मोहम्मद उमर है, एक का नाम सोहेब है। क्या सभी लोग फ्रूट का काम? सभी लोग हम अनपढ़ हैं और फ्रूट का हम काम करते हैं।